हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे LRC को लेकर यहाँ परेशान है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है बार बार कमेंट करते हैं कि जो है सर LRC कब तक रिलीज किया जाएगा। तो मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा पेशेंस बना रखे, धैर्य जरूर रखे, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों को जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LRC का एक लिस्ट आया है राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से। उस लिस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि LRC का लिस्ट बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे विभाग की तरफ से टाइम लगा जा रहा है, ठीक है। विभाग यहाँ पे देरी कर रही है, जब तक विभाग में यहाँ पे जो है पदाधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते हैं, नोडल पदाधिकारी, तब तक यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया रुकी रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है और इस बार ज्वाइनिंग होने वाली है ERP के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन आपको ऑफर लेटर भेजा जाएगा जिस पे आप लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे लोगों को प्रतिनियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। ERP के थ्रू इसीलिए किया जाता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है ERP में एरियल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आपको ERP में जब तक नाम नहीं जुड़ जाता, अगर आपका 2-3 महीना का सैलरी एरियल में चले जाता है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सैलरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एरियल का ऑप्शन अभी ERP में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन ही अपना जो है अब्सेंडी भेजना पड़ेगा सैलरी के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ विभाग का जो लेटर है उसमें क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे लेटर जारी किया गया है, तो आप इस लेटर को देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे लेटर निकाला गया है। प्रेषक कंचन कपूर, सरकार के संयुक्त सचिव सेवा सभी समर्थता बिहार। विषय में क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन हेतु अंचल अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करके करने के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंचलों में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि एक में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर निर्धारण किया गया है। अब जो है प्रत्येक अंचलों में दो दो अन्य डाटा एंट्री ऑपरेटर का निर्धारण बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाना है, यानी कि फ्रेंड्स 534 में दो दो ऑपरेटर और लगेंगे, यानी कि 534 से मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 1068 होता है। और पिछली बार जब 534 में लोगों को ऑपरेटर भेजा गया था उसमें से टोटल 112 लोग ने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसमें भी यहाँ पे लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। टोटल यहाँ पे 1200 प्लस वैकेंसी LRC में निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न विभागों अंतर्गत विभिन्न अंचलों में नियोजन डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय का भुगतान कार्रवाई सरज मिनी सेवा अंतर्गत, ठीक है। तो विकसित पोर्टल पर अपलोड उपस्थिति विवरण के आधार पर विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन कर्मियों का नियोजन एवं मानदेय का भुगतान के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। सभी अंचलाधिकारी प्रभारी अंचलाधिकारी को बेल्ट्रॉन के ERP मॉड्यूल में नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, ठीक है। विभागीय निर्देश के उपरांत डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन के संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी के ERP से किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कह दिया है कि ये विभाग का लेटर है फ्रेंड्स, विभाग ने अपने सारे अंचलों अंचल अधिकारी को कह दिया है कि वहाँ पे नोडल अधिकारी को नामित किया जाए जिससे कि यहाँ पे नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो विभिन्न अंचलों में विभाग के अंतर्गत पूर्व से नियोजित डाटा एंट्रप्रेनर का मानदेय सितंबर 2022 के मानदेय का भुगतान कार्रवाई संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा ERP से किया जाएगा। इन कर्मियों का मानदेय का भुगतान हेतु राशि का आवंटन संबंधित जिलों को किया जाएगा। तत्पश्चात जिलों द्वारा राशि का उप आवंटन विभिन्न अंचलों को किया जाएगा, ठीक है। तो इन कर्मियों का जिला अंतर्गत स्थानांतरण संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा अंतर जिला यानी मतलब सबको गृह जिला यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट सबको मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है अतएव उपयुक्त निर्णय के आलोक में अनुरोध है कि ERP मॉड्यूल में नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए अंचलाधिकारी के सहज मिनी सेवाएं लॉगिन अंतर्गत उपलब्ध
प्रपत्र के में वांछित सूचनाएं दिनांक 6/8/2022 तक निश्चित रूप से भरने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निर्देश करने की कृपा की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सारी चीजें दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैसे कैसे यहाँ पे जो है नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, नोडल अधिकारी को नामित करने के लिए क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स मांगे गए हैं, यहाँ पे दिया गया है ऑफिसर नेम, ठीक है, ऑफिसर का CUG मोबाइल नंबर, उसके बाद CUG का मोबाइल स्टेटस, पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑफिस आईडी, उसके बाद एड्रेस, ये सारे देके आपको ERP में सेव करना है। सेव करने के बाद उनका जो है नोडल अधिकारी नामित हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग भी अपने अंचल में जाके आप कह सकते हैं, यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे ऑफिशियल लेटर विभाग द्वारा सभी अंचलों को भेज दिया गया है। जैसे ही ये कार्य पूरा होता है, सभी अंचलों में नोडल प्राधिकारी बनते ही बेल्टन अपना जो है नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों इस बार ऑनलाइन जो है ऑफर लेटर आएगा, जिसको आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत जल्द 1 महीना के अंदर जो है आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिल सकता है LRC की तरफ। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था, और काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि बेल्टन की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन कब तक चालू होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे पैनल समाप्त होगा, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। पैनल समाप्त होने ही वाला है, यहाँ पे जो है कुछ ही लोग 1500 प्लस बचे हुए हैं, 1200 नियुक्ति आपको यहाँ पे LRC में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपको न्यू रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।